7 तारीख मॉर्निंग के वक्त यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश थी। अब यहाँ पे 7 बज रहा है, वेदर क्लियर हो गया है। एक भक्त लोग ऊपर से दर्शन करके नीचे आए हैं, उनसे हमको पता चला है रास्ते में बहुत ज्यादा मलबा आया है, अब उन्हीं से पूछाएंगे। भैया दर्शन करके आ रहे हैं जी? बोले। और क्या बारिश की वजह से दिक्कत हुई होगी? काफी लैंडस्लाइड हुआ है। अच्छा, और काफी यात्री अभी ऊपर फंसे हुए हैं। अच्छा, हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो हम आपको सेंड करेंगे, तो उसको आप डालिएगा ब्लॉग पे। बहुत ज्यादा साइड है, सेफ जोन में, सेफ जोन में लोअर जेड मोड के ऊपर से स्लाइड आ रही है, बहुत बड़ी स्लाइड आ रही है। ओके, ओ बचाओ, रोड से आ रही है, रोड से बिल्कुल ट्रैप बह रहा है। और सबसे ज्यादा देख यात्री के पत्थर भी गिरे, चोट वगैरह आई है, चोट भी आ गई है। अच्छा, जिसमें महिलाएं ज्यादा है, चोट में जिनको चोट लगी है। ठीक, और चलिए ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर पहाड़ों पे फ्रेश स्नोफॉल हुई है, सुबह बहुत ज़्यादा बारिश थी, और भैया ने जैसा कि बताया है मलबा आया है ट्रैक पे, इसकी वजह से यात्रा बंद कर दी गई थी। ये शाइन बोर्ड ने बहुत अच्छा कदम उठाया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तकलीफ नहीं हुई। और आप देख रहे हैं ऊपर पहाड़ों पे, जहाँ पे पूरे ज़्यादा बादल थे, अब वेदर क्लियर है। और कल का कैसा भी वेदर रहेगा हम आपको अपडेट करेंगे, कल अगर यात्रा रहेगी तो हम आप सभी लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। और आप सभी लोगों को हर हर महादेव। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेदर बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत हल्के हल्के बादल हैं, और कल जैसा भी रहेगा अपडेट आप सभी लोगों को सूचित कर देंगे। वो महीना कैसे रहते हैं ये हम ही लोग जानते हैं, यहाँ का वेदर पल पल कैसे चेंज हो जाता है। आपने देखा सुबह ज़्यादा बारिश थी, अब मौसम साफ है, तो इसी की वजह से यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आप देख सकते हैं ऑटो सब फट गए हैं, 2 महीना यहीं पर रहना है। और ये देखिए व्यू सामने, देखिए हॉर्स कैसे ऊपर से आ रहे हैं, और ये देखिए कैसा व्यू है।